देखिएगा, अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, स्क्वायर लगभग हमने 25 तक क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम स्क्वायर आज पढ़ेंगे 25 से, यानी 26 से लेकर के 30 तक। और क्यूब हमने लगभग 15 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 15-16 से लेकर के 20 तक, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले बात हम लोग एक बार स्क्वायर रिवाइज कर लेते हैं पुनः, डे बाई डे का जो हमारा वर्क है 15-20 मिनट का। और ध्यान दीजिए, 12 बजे आ जाएं आप लोग, जैसे कई सारे लोग आ जाते हैं, वो एक अलग मैटर है कभी कभार, है ना। करेक्ट 12 बजे आप घर से मत निकले, 12 बजे घर से निकलने की क्लास की टाइमिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम लोग 15 तक तो नॉर्मली अब सबका स्क्वायर आता ही है। जैसे मैं बात करूँ, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का 169, 14 का कितना होता है 196, 15 का 225, 16 का कितना होता है 256, 17 का कितना होता है 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का कितना होता है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं 21, 21 का स्क्वायर। अब 20 तक तो एक नॉर्मली अब आपको आने लगा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे वो भी आने लगेगा। अब देखो, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625। यहाँ तक हम लोगों ने कल के दिन तक क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो यहाँ तक था। इसके बाद अगर बात आती है तो अगर आप लिखेंगे 26 का स्क्वायर, 26 का कितना होता है 676, बिल्कुल सही। 26 का कितना होता है 676, 27 का कितना होता है 729, बहुत बढ़िया 729, 28 का वर्ग कितना होता है भाई 700 कितना, हाँ 784, 29 का कितना होता है 841, 30 का कितना हो गया 900 हो गया। ये हमारे लिए आज के लिए वर्क है कि भाई 26 का वर्ग होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841, 30 का होता है 900। ये हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए अपने कॉपी में, जहाँ पर आप लिखते हो, ठीक है। आगे चलो, हम लोग 10 तक पूर्णतः अच्छी प्रकार से जानते हैं कि 10 तक का आप जो क्यूब होता है क्या होता है, ठीक। अब दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ 11 का क्यूब कितना होता है 1331, यानी 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 13 का कितना होता है 2197, 14 का कितना होता है 2744, 15 का कितना होता है 3375। यहाँ तक लास्ट क्लास में हमारी चीज़ें क्या होती, कंप्लीट होती। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 16 का क्यूब कितना होता है 40 96, 17 का कितना होता है 49 13। अब देखो 16 का क्यूब, देखो 15 का क्यूब होते हैं 3375। बहुत बार डाटा ऐसा होता है कि आप क्यूब देख करके ये बता दोगे कि ये कहाँ तक का है। जैसे 20 के बाद से ये क्यूब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे 18 का कितना होता है 58, अंठावन 32 होता है। 19 का कितना होता है कितना 68, हाँ 68 59। अच्छा 20 का कितना होता है 8000। यहाँ तक ये क्यूब होता है। अब ये क्यूब आपको यहाँ से प्रॉब्लम देना शुरू करेंगे। अभी यहाँ से देखिए, अभी तक 4 अंक थे, फिर अभी अभी 5 अंक आएंगे आपके सामने, ठीक है। आपको केवल 30 तक अच्छे से करना है।
और मैं 30 तक ही रिवीजन कराऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इससे ज़्यादा आप याद कर लो, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, लेकिन 50 तक स्क्वायर याद होना ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जिस दिन 50 तक स्क्वायर याद हो गया, उस दिन मैं स्क्वायर क्यूब निकालने की ट्रिक बताऊँगा कि आसानी से हम बड़े संख्या का स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले 50 तक आपको आना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। 16 का क्यूब कितना होता है? 40 96। 17 का कितना होता है? 49 13। 18 कितना होता है? 58 32। 19 का कितना होता है? 68 59। और कितना? 20 का कितना होता है? 8000। इसको एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए, यहाँ से फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने इधर 11 का पहाड़ा 20 तक ये लिख लिया, 12 का पहाड़ा 20 तक ये लिख लिया, ठीक है, 12 का पहाड़ा 20 तक, जो कि ये सारे के सारे पहाड़े क्या हैं? इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं 13 का, आज की जो क्लास में रहेगा 13 का पहाड़ा रहेगा, ठीक। ये जितने दिन तक ये चल रहा है टेबल, उतने दिन तक आपके जो ये 15 20 मिनट 25 मिनट इधर ये आपके केवल इसमें जाते हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। फिर वो इसमें आप 15 20 मिनट में कुछ नई चीज़ हम ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। देखो अब मैं 11 × 13 की बात करूं तो आपने कहा सर 100। आपको 11 13 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपको कम टेबल याद करना पड़ेगा एक लाइन में, अगर आप गौर से मतलब एनालाइज करके पढ़ें। भाई 11 × 12 भी पढ़ चुके हो, 12 × 13 भी पढ़ चुके हो। 12 × 13 कितना होता है? आपने कहा सर 156 होता है, अभी अभी जस्ट पढ़ा। 12 × 13 कहो या 13 × 12 कहो, बात बराबर है। 13 का वर्ग आप पढ़ चुके हो, यानी 13 × 13 कितना होता है? 169, ठीक है। अब बताइए क्या ये 3 ठो पढ़ने की जरूरत है क्या? अब बचे 7 आए तो 7 में अगर आप पढ़ोगे तो 14 × 13 कितना होता है? कितना होता है? 184 नहीं होती, 82 होता है। 184 नहीं है, अगर लिखा हो तो उसे लिखा है क्या प्रिंट आउट में? 82 लिखा होगा, है ना, 184 नहीं होता। 15 × 13 कितना होता है? 195 होता है। 16 × 13 कितना होता है? 208 होता है, ठीक है। क्या 208 यहाँ तक के डाटा में कहीं पर मिला? नहीं मिला, अभी आपको खोजना सिखाऊंगा। 17 × 13 कितना होता है? 221। 18 × 13 कितना होता है भाई? 234 होगा ना, 234 होगा, क्योंकि भाई 13 20 करोगे तो 260 के अंतर्गत वैल्यू आएगी। अब 260 में आपने 18 × 13 किया, 234 आ गया। और जैसे ही आप इसमें 19 × 13 करोगे कितना आएगा? ये 247। और 20 × 30 करो कितना आ जाएगा? 13 260। अब आपको इतना काम डेली करना है। अभी जैसे मालूम है 15 16 17 18 का पढ़ना शुरू करोगे तो सब आसान हो जाएंगे, 19 का पढ़ोगे तो पूरा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि 19 × 11 19 × 12 19 × 13 19 × 14 ये तो पढ़ते ही चले जा रहे हो ना, 19 × 15 19 × 16 19 × 17 19 × 18 तो पढ़े। 19 × 19 कितना होता है? 361। बस किलो तो नहीं, बस आपको रखना है, बाकी तो पढ़ाई है। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी। तो हमने कहा कि 11 × 143। अब देखो पढ़ना कैसे, 143 का मतलब 11 × 13, 156 का मतलब 12 × 13, 169 का मतलब 13 × 13, 182 मतलब 14 × 13, 195 15 × 13, 208 यानी 16 × 13। 208 कहीं पर देखने को मिल जाए, 16 × 13 है। 221 का मतलब 13 × 17, 234 का मतलब 13 × 18 या 18 × 13, किसी भी तरह पढ़िए, कोई इशू नहीं है इसमें। और 247 का मतलब 19 × 13 और 20 × 13 का मतलब 260 आपको, ये तो आसानी से आ जाएगा। यानी आज आपने केवल यहाँ से लेकर के इतना एक्स्ट्रा लर्न किया, बाकी तो आपका क्या है? पढ़ा हुआ ही है भाई। क्या 11 × 13 नहीं पढ़ा? 12 × 13 नहीं पढ़ा? 156 ये लिखा हुआ है। और 13 का वर्ग नहीं पढ़ा? 169, ठीक है।
फिर यहाँ से 14 × 13 = 182, 15 × 13 = 195, 16 × 13 = 208, 17 × 13 = 221, 18 × 13 = 234 हो गया, 19 × 13 = 247। केवल इतना रटना है, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कल के दिन केवल 5 पढ़ना पड़ेगा। कह दो कैसे भाई, 14 × 11, 14 × 12, 14 × 13, 14 × 14, ये तो आपको आता ही है ना, 14 × 15, 14 × 16, 14 × 17, 14 × 18, 14 × 19, 14 × 20 पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग की चीजें सेट होंगी, डाटा सेट करना है। फिर जब 15 का पढ़ोगे तो आपको केवल 4 पढ़नी पड़ेंगी, बाकी चीजें आपको याद होंगी। आप जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे डाटा कम होता जाएगा आपके लिए, बस लॉजिकल तरीके से पढ़ना है। अगर आपने उसको अगर ऐसे पढ़ा कि 11 × 13 = 143 और 13 × 11 = 143, तो वो फिर आपके दिमाग में अलग अलग दिमाग में सेट हो जाएगा कि 11 × 13 होता था 143, 143 का मतलब कुछ भी हो, चाहे 13 × 11 हो या 11 × 13 हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो भाई, विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो लास्ट क्लास में हमने केवल एक चर्चा किया था 2, 4, 8, 16, 32 का। ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये सब आपके क्या होते हैं, डेड डैश वन। अगर आप इस पैटर्न को देखें, इस दो का मतलब होता है 2 की पावर 1। इस 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 6 का मतलब आपका होता है 64। ठीक है, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। फिर होता है 256। ये आपको याद करना, भी 2 की टेबल भी लिखी हुई है ना, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, फिर 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी उन पे भी चर्चा करेंगे अपन लोग। तो इस पावर का मतलब क्या है, जब हम इस संख्या को कुछ इस वैरायटी से हम लोग लिख सकते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है, डिवाइड देने का मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी संख्या मैं ले लेता हूँ, यहीं पे ले, 2, 1, मान लो अभी इतना आपके सामने लिखा है 58, 32। मैं एक लॉजिक है बता रहा हूँ, 58, 32 का मतलब है अगर आप 2 से भाग देना चाहते हो तो केवल अंतिम अंक को डिवाइडेड बाय क्या करिए, अंतिम अंक को 2 से भाग दीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पूर्णतया क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर आपको 4 से भाग देना है तो इन 2 अंकों से बनी वाली संख्या को किससे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, अगर पूर्णतया विभाजित हो रहा है, अगर ये संख्या कट रही तो अब इसके आगे कोई भी संख्या लिखी हुई 100% 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजन का मतलब है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 अंकों तक आपको लेना है, इन 3 अंकों तक आप 8 भाग दीजिए, अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती तो पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और अगर आप 4 अंकों तक लेते तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लेना पड़ेगा, पूरे 4 के चारों अंक, 4 के चारों अंक लेंगे तो आप देखेंगे तो इसको आप किससे भाग दोगे, 16 से भाग दोगे, तो यहाँ से अंतिम अंक को दर्शाते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब लास्ट अंक को भाग देना है 2 के रूल्स में, 4 के रूल्स में 2 अंकों को भाग देना है, 8 के रूल में अंतिम 3 अंकों को भाग देना है, और 16 के रूल में अंतिम 4 अंकों को भाग देना है, और 32 के रूल में अंतिम 5 अंकों को भाग देना है,
इसी प्रकार 64 के रूल में अंतिम 6 अंकों को भाग देना है, ठीक है। ज्यादातर यूटिलाइजेशन आपका इनका होता है 2, 4, 8, 16, ठीक। आपने कहा सर यह कोई संख्या है 5, 8, 3, 2, तो मैं इस संख्या को यहां पर, ये तो एक रूल हो गया कि आपको 2 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 8 से देना है, 16 से देना है, इट डजंट मैटर। ये आपके सामने 5, 8, 3, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि चेक करिए क्या इस संख्या को अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर आता है। आपने कहा सर अगर मुझे इस संख्या को 2 से भाग देना है तो जो रिमाइंडर का मतलब क्या है, शेषफल का मतलब, शेषफल का मतलब, शेषफल का मतलब है कि किसी संख्या को भाग देने पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचता है। मैं ये बार बार लैंग्वेज इसलिए बात बीच बीच में बोला करते, एक्स्ट्रा भाग देने पर, यानी वो उसके मल्टीपल में इतना डाटा तो है, शेषफल का मतलब मल्टीपल से इतना एक्स्ट्रा जा रहा है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, शेषफल से इतना एक्स्ट्रा जा रहा है। तो अगर 2 से भाग दोगे तो अगर इसमें दोगे 2 × 1 = 2, रिमाइंडर कितना आया, इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है 2 की मल्टीपल ही है, 2 के मल्टीपल ही है। देखो ये लॉजिक है, इनको दिमाग में सेट रखना है। दूसरी बात, अगर मैंने 3, 1, 2, 5 पर दे दिया, बताओ 2 से भाग दो तो केवल किस में दोगे, 5 में बस दोगे, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब इसके मल्टी, ये जो इस संख्या में है अगर 1 को अलग कर दिया जाए तो जो बची हुई संख्या होगी वह 2 की मल्टीपल होगी, जो बची हुई संख्या होगी वो 2 की मल्टीपल होगी। ऐसा कुछ दिमाग में सेट करना है आपको। ये यहां से आ गई बात। फिर अगर मैं 4 से यही भाग दूं तो आप देखोगे कि 5, 8, 3, 2 ही ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय अगर 4 करोगे, 4 से डिवाइड दोगे तो आप देखोगे कि इसमें 4 से डिवाइड देना है, तो 4 का रूल क्या कहता है भाई, लास्ट टू डिजिट आप डिवाइड दोगे तो 8 × 6 = 32 आया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया। तो यानी इस जो 5, 8, 3, 2 है ये 4 का मल्टीपल ही है, 4 का गुणज है। अगर मैं यही क्वेश्चंस 3, 1, 5, 1, 1 दे दूं, डिवाइडेड बाई 4 कर दूं, आप कहूँ रिमाइंडर निकालो, तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंकों बस में भाग दे दीजिए। आपने कहा सर 11 बचा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11। अगर इससे 3 अलग कर दिया जाए तो जो संख्या बचेगी वह 4 की क्या होगी, मल्टीपल होगी। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पोर्शन किसी नंबर, एक बार में कहाँ जाएगा, 3 से शेषफल नहीं आ रहा है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 नहीं हो जाता, हाँ तो नहीं जा रहा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। तो अगर 4 से भाग दे करके शेषफल निकालना है किसी भी संख्या में तो पूरी संख्या में ना भाग दे करके केवल हम अंतिम 2 अंकों में भाग देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये जो संख्या लिखी हुई है 31 मतलब 511 लिखा है, इसमें अगर 4 का भाग दोगे तो शेषफल केवल कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो हम पूरी संख्या में ना भाग दे करके केवल किस में दे रहे हैं, अंतिम 2 अंकों में दे रहे हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि ये संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल नहीं। अभी इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, आगे चैप्टर वाइज अभी पढ़ाऊंगा, करनी तथा घातांक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे क्वेश्चंस के हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें। मैं केवल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें, ना कि जो आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, वो क्लास में पढ़ाना एक अलग है, इसमें कैलकुलेशन का कैसे यूज करोगे आप वो सीखेंगे 1-1.5-2 महीने में। और कोशिश करिए कि इस क्लास को मिस ना करें, है ना। और बाय द वे मिस होता है पेनल्टी, अगर आप पे करते हो तो उस क्लास को जरूर घर में देख लें, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी इनकी प्रैक्टिस भी होगी, सीट दूंगा, इनकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। जैसे मैं 5, 8, 3, 2 ही लिख देता हूँ,
डिवाइडेड बाई मैंने 8 किया, ठीक है, ये यहाँ पर 6, 7 कुछ भी लिख दे, इतना बड़ा नंबर है। अब 8 से भाग देना है, तो 8 का मतलब है कि आपको इधर से देने नहीं, केवल 3 अंकों में देना, केवल 3 अंकों में देना। तो अब 8 का भाग 832 में दोगे, 8 इकन्ने 8, 0, 8 चौको 32, शेषफल कितना आएगा? अब पूरी संख्या में भी भाग दे लीजिएगा 8 का, शेषफल कितना आएगा? 0 ही आएगा। बात कुछ क्लियर हुई? अब जैसे हमें 16 का देना है, 3215832 डिवाइडेड बाई 16 लिखा हुआ है, तो यार 16 का मतलब है 2 की पावर 4, यानी अंतिम 4 अंकों में भाग देना है, पूरे अंकों में भाग नहीं देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात अंक लिखे हैं, 7 अंकों में नहीं देना, केवल आपको लास्ट के 4 अंकों में देना। 16 3 48, चीज़ों को समझेगा, यहाँ से आएगा 16 3 कितना हो जाएगा 48, 48 और 11 कितना हो गया, देखो 48 और 58, 9 बचा नहीं, 10 बचा, 16 3 48 और 58 10 बचा, और यहाँ पर 3 जोड़ लिया, 103 हो गया, 16 7 ज़्यादा हो रहा है, 16 6 96, 96 करेंगे 103 बन रहा था, तो 4 इधर 3 इधर, तो कितना 7 आपका एक्स्ट्रा बचा, 72 हो गया, 16 चौक 64, 64 आया, 8 उधर 2 इधर, 8 64 और इधर कितना है 72 है, तो 64 में 6 इधर चला जाएगा 2 उधर, तो कितना बचेगा शेषफल 8, तो क्या रिमाइंडर 8 बच रहा है, इसका मतलब है क्या, रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, इसका मतलब है कि भाई इस सवाल, इस नंबर से अगर 8 को अलग कर दिया जाए, यानी 8 हटा दिया जाए, एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा दिया जाए, तो जो संख्या बचेगी वह 16 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये देखो रिमाइंडर का मेन मतलब क्या है, ये चीज़ समझिए कि रिमाइंडर का मेन मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन हो भाग देने पर, क्या पोर्शन हो, एक्स्ट्रा पोर्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, नोट करिए फिर आगे चलिए। 5, 25 और 125 की भी वास्ता करिए, तो 5, 25 साइलेंट करो भाई उसे, 5 का मतलब है 5 की घात 1, सेम पैटर्न पर काम करेगा ये, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 का था। 25 का मतलब है 5 की पावर 2, 125 का मतलब है 5 की पावर 3, बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, सेम वही चीज। अगर किसी संख्या को ये आपके सामने 52, 50 कोई संख्या लिखी हुई है, सेम वही पैटर्न पर चीज़ों को देखना है, अगर 5 से भाग देना है तो केवल अंतिम अंक में भाग दो। 5 के लिए एक और कहानी बनी है यार, अगर लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी, सीधी सी बात, 0 और 5 है तो 5 से कटेगी, नहीं तो नहीं, कैंसल आउट होगी। पर लेकिन हम थोड़ा रूल के अकॉर्डिंग पढ़ें कि जो अंतिम अंक है उसको केवल किससे डिवाइड दीजिए, ये 5 का रूल हो जाएगा। 25 का मतलब है 5 की पावर 2, इस 5 की पावर 2 का मतलब है कि भाई जो अंतिम 2 अंक है ना आपके, इसको आप किससे भाग दीजिए, 25 से भाग दीजिए, इससे पता चल जाएगा अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब वह संख्या 25 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। और अगर आपके सामने 125 से भाग देना है तो आप कहोगे सर अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों को किससे भाग दीजिए आप, 125 से भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने एक डाटा रहा, अब आपके सामने यही 5, 2, 5, 0 को अगर आप 5 से भाग दोगे, ईमानदारी से बताइए लास्ट में क्या है, 5 का भाग 0 में दोगे क्या जाएगा, चला ही जाएगा, आराम से चला जाएगा 0,
शेषफल कितना आया। यही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा। अब देखो ये 1 लिखा है, अगर हम किसी छोटे संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल वही आता है। अगर 1 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही आएगा, 2 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आएगा। यानी अगर इससे 1 घटा दिया जाए या 1 हटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्णतया 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 1 का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पोर्शन इसका होगा। ठीक है, आगे देखो, मैंने यही 5250 लिखा, 5250 ले लिया। इस 5250 का मतलब है कि अगर आपके सामने ये अंतिम दो अंक, अगर 25 से डिवाइड देना है, किससे देना है, तो आप पूरे संख्या में भाग मत दीजिए ना, आपको केवल ये चेक करना है ना कि 5250 है जो, क्या वो 25 से कटता है कि नहीं कटता। तो आप एक बात बताइए, कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये लिखा है और ये लिखा है, तो आप पहली बार 5 से काटोगे कि 25 से। आप कहोगे सर 5 से काटेंगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, आप 25 से काटेंगे तो 1 बार में काम चल जाएगा, है ना। तो हमको बस वही करना है। तो जब 25 से काटोगे तो कितने अंकों में भाग दोगे, अब 2 अंक कितना लिखा है, 50, तो 25 दुनाई पूर्णतया विभाजित हो गया, इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखा हो और 25 से भाग देना हो तो ईमानदारी से बताइए शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 अंकों से बनी संख्या 0, 5। अब किसी संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 25 से छोटा हो गया 5, और जब छोटा हो गया तो जितना लिखा है वही आपका क्या हो गया, शेषफल आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब वही बात आगे समझिएगा, ये वाला नोट कर लीजिए आप, 5 वाला थोड़ा सा। अब देखिएगा, अब यहाँ से आया 125 लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसे 125 से काटना है, तो 125 का मतलब कितना है भाई, 3 अंक, क्योंकि 125 का मतलब क्या है, 5 की पावर 3, और जब 3 है तो अंतिम 3 अंक को चेक करना है। तो अगर आप इसे 125 से भाग दोगे तो केवल अंतिम 3 अंकों में भाग दोगे, इधर चाहे आपके संख्या 7, 8, 9, 6 कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर। अगर ये चेक करना है कि 125 से कट रहा है कि नहीं, तो आप सीधा केवल लास्ट 3 अंकों में भाग देगा, तो 125 दुनाई 250 होता है, यानी कट गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये आपके सामने लिखा है और 125 से भाग देना है, तो बताइए किस में भाग दोगे आप, 251 में। तो अगर 125 दुनाई 250 एक कितना एक्स्ट्रा है, यानी अगर आप 125 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो जब इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई, अब इसके बाद हम लोग जो कल के दिन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 3, 6, 9, 7 के विभाज्यता का नियम, 3, 6, 9, 7, फिर वो 11, 12, 13, फिर वो एक अलग मैटर आ जाएगा। ठीक है, 9, 11, 13 का एक नियम होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, शेष कल।